भैया 2 मिनट साइड में दबाओगे आगे चल के? आगे चल के साइड में दबाओ भाई। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। थैंक यू कैसा लगा? थैंक यू सो मच भाई, आप सब लोग इनको सपोर्ट करो भाई, ये बहुत अच्छे हैं। तो चलो गाइस, ओ भाई भाई साहब दिल बहुत तेज भाई, हाथ पर कप पा रहे सारे मेरे। क्या देख रहे हैं? कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसे अंदर, तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि बैठ पाऊंगा। अंकल जी ओ भाई नहीं। So, hi guys and welcome back to my new video. कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। तुम्हारा भाई बहुत बढ़िया है। तो भाई आज फाइनली देख रहे हो, तुम्हारा भाई रिक्शे में घूम रहा है भाई, बैटरी वाले रिक्शे में। भाई आज मेरा मन करा गाइस सुबह सुबह रिक्शा में घूमने का, तो मैंने भाई रिक्शा बुक किया और अभी भाई मैं निकला हूँ एक छोटी सी राइड पे, रिक्शा राइड पे। और ये जो रिक्शा है ना, ये मेरे अपने ही भाई का है। बढ़िया भैया, आगे से राइड लेना। ठीक है, तो भाई आप सोच रहे होंगे विनय भाई की संतरा कहाँ है, विनय भाई की टार्जन कहाँ है, लेकिन मैंने सोचा कि आज यार रिक्शा में घूमते हैं सुबह सुबह, बढ़िया दिल्ली का मौसम हो रखा है एक नंबर, सुबह सुबह रिक्शा की राइड भी हो जाएगी। भैया 2 मिनट साइड में दबाओगे आगे चल के? आगे चल के साइड में दबाओ। हाँ भैया यही रोक लो, यही रोक लो। अच्छा बस भैया बस, कैसे दोस्तों नया साल कैसे जा रहा है, मौसम एक नंबर हो रखा है। और भैया कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया, बताओ। अरे अमन भाई, भाई 20 रुपए निकालो। 20 रुपए यारी दोस्ती में, दोस्ती अपनी तरफ पैदा अपना। हाँ मैं ही वो कार वाला, आराम से। हाँ हम दोनों है, हाँ हम दोनों हैं, दोनों इधर हैं, यही तो है सुपर कार। अच्छा भाई रिक्शा विक्शा कब लिया? भाई ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है। अच्छा बढ़िया लग रहा है लेकिन आप पे, नाइस सही लग रहा हूँ ना, स्टैंडर्ड। मुझे आगे नहीं बिठाओगे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। आ जाओ भाई, स्पेशल है स्पेशल। चलो भाई, बिठाता नहीं हूँ वैसे किसी को आगे। तो गाइस कहाँ जाना? उत्तम नगर। उत्तम नगर नहीं, ले लो भाई, जा तुम्हारा दिल करे ले लो भाई। रिक्शे की सवारी चल पड़ी है, ढूंढ ढूंढ भाई। अमन राणा का रिक्शा देख रहे हो? बढ़िया भाई, सब आता चलाने सारा। ओए ओए ये कब चढ़ गए? बच्चे लटक गए पीछे। ओए बच्चे गिर जाओगे, उतर जाओ, चढ़ो मत भाई, मजा आ रहा है रिक्शे चलाने में। तो गाइस अमन राणा की ऐसी तरक्की देखते हुए ना ऐसा मस्त लग रहा है। भाई ने पहले ली बाइक, अब भाई ने लिया रिक्शा। तो चलो भाई, क्या हाल है भावे? ये देखो भाई बच्चे साइकिल पे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। ओ क्या हाल है भावे? बढ़िया भावे, भावे आगे से लेफ्ट ले लो, भावे सामने लगा लो, भावे भावे सामने। गाइस इसकी एक ना सच्चाई बताऊंगा मैं आपको कि इस रिक्शा पे हम क्यों बैठे हैं। साइड लगा ले यहीं पे। ओ रोक ली। ओ ये कौन खड़ा है सामने? ओ भैया एक राइड करा दो भैया। किसकी राइड करा दूं? इसकी सुपर कार की। आपकी गाड़ी है ना ये? सुपर कार हाँ मेरी है। आपको घूमना है इसमें? हाँ हाँ हाँ, मैं कभी बैठा नहीं हूँ आज तक। अच्छा प्लीज। पर भैया मेरे पास तो 2 सीटर है, आपके पास तो 5 सीटर है। अब भैया मैं अमीर हूँ, इसमें मेरी गलती थोड़ी है। बढ़िया हवा लगी आपकी गाड़ी में। भावे एयर कंडीशनर है। तो चलो गाइस सच्चाई बताता हूँ मैं, सच्चाई क्या। मैं और अमन आज मिले भाई, थोड़ा घूम रहे थे घर के पास, गेड़ी मार रहे थे, बढ़िया रील बना रहे थे इंस्टाग्राम के लिए। गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बढ़िया बढ़िया रील्स लेकर आएंगे। बाकी भाई रास्ते में एक भाई मिला, ये देखो इस भाई का नाम है आशु। क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया भाई। बढ़िया भाई, भाई दिल तो ऐसे धक धक कर रहा है, पूछो बस भाई साहब। दिल धक धक कर रहा है किस लिए? दिल तो धक धक ही करता है भाई, राइड करने के लिए। दिल करे चूचे हैं चूचे, वो हमारा करता है भाई। मैं वही बताऊं मैं कैसे लग रहा हूं कमेंट करके रिक्शे के उसमें। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हां बढ़िया। तो दोस्तों अमन मैं निकले थे भाई घर के पास रील बनाने, बढ़िया बढ़िया। तो ये भाई मिला, भाई का नाम है आशु। आशु नाम है आपका? हां भाई आशु नाम है। गाड़ी कैसी लगी? भाई बढ़िया लगी। अच्छा इसकी मैंने ना स्माइल देख ली दूर से ही, फिर मैंने इसको रोका। ये देख रहा था वहां था, ये वहां पे, ये वहां से आया, मैंने इसको यहां रोका। बड़ा खुश था गाड़ी देख के, मैंने क्या हुआ? कह रहा भैया गाड़ी एक नंबर है। आशु तूने तो हमें भाई अपना रिक्शा दिया, अमन को रिक्शा दिया, अमन ने रिक्शा चलाया और मैंने रिक्शा की राइड करी, अब तुझे हमसे क्या चाहिए? भाई एक राइड करा दो बस। पक्का? पक्की बात? पक्का। दिल खुश? पक्का। फिर एक काम कर तू ही चला ले गाड़ी। नहीं भाई इतनी महंगी कार है, नहीं चलानी, अगर कुछ हो गया तो मेरा तो घर सब चला जाए। अरे नहीं क्यों, कुछ नहीं होगा, आजा चल। तो चलो गाइस आज इसको कराते हैं राइड। इसका नाम है आशु और ये भाई रिक्शा चलाता है, अभी रिक्शा ही चला रहा था। ये रिक्शा तेरा ही है? अच्छा अच्छा। तो चलो गाइस लेट्स हैव अ राइड टुडे विद स्ट्रेंजर। आ जाओ, पहले स्ट्रेंजर था अब तो दोस्त बन गया मेरा। हाँ बैठ जा अमन, रिक्शे का ध्यान रखना। कैसा लगा? बढ़िया भाई। गाइस आज वैसे मैं और अमन कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में कभी नहीं पता होता कौन कहाँ मिल जाए, कौन कहाँ टकर जाए। और भाई अगर कोई सवारी आएगी मैं बिठा के चले जाऊंगा रिक्शे में। हाँ भाई ठीक। लोकेशन पता है सारी? लोकेशन तो पता है, पैसे बता दे कितने लेते हैं भाई? 10-20 रुपए। 10-20 रुपए? 10-20 रुपए। मैं जा रहा हूँ दिहाड़ी पे। ठीक है चले आशु। हाँ भाई चलो। उस साइड से निकालना मॉल की साइड से, वो सारे रिक्शे वाले ना वो चिढ़ते हैं मेरे से सब। अच्छा हवाबाजी। चलो भाई ठीक है, लो भाई। अमन ये क्या कह रहा है कि भाई उधर मॉल की साइड से लेना, वहाँ बहुत सारे रिक्शे वाले हैं मेरे से जलते हैं, उनको किलसा जाएगा। चले चलो भाई। ओके भाई तो चलो गाइस। ओ भाई साहब डर लग रहा है मेरे को तो। डर क्यों लग रहा है ये बता, डर क्यों लग रहा है? क्या देख रहा है? कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसे अंदर, तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि बैठ पाऊंगा, बस राम नाम जपता रहता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अपनी टार्जन सुपर कार लेके निकल गया हूँ आशु को घुमाने के लिए। ये तेरे दोस्त
ये सारे रिक्शा वाले अंकल जो है ना, ये सारे चल अब तो सबको हवाबाजी मार दे, चिल्ला दियो, बाय कर दियो सबको, ले शीशा नीचे कर दिया मैंने तेरे लिए। अंकल ओ भाई ले भाई ले, ओ भाई नहीं भाई, आराम से भाई 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 आराम से भाई, चक्कर आ जाएंगे, मेरा दिल वैसे धक धक कर रहा है भाई साहब। कितने साल का है तू भाई? मैं 16 साल का हूँ। 16 साल का है भाई। बहुत छोटा है। जिम्मेदारी ज्यादा आ गई ना सर पे। अच्छा जिम्मेदारी ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई भाई छोड़ दी, सब 8th पास करके छोड़ दिया था। अच्छा डैडी नहीं है ना। अच्छा अब काम करता है? चल बहुत अच्छी बात है, मेहनत तो कर रहा है ना। भाई मेहनत तो दोस्तों मेहनत करना बहुत जरूरी है, चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो, और छोटे काम से ही बंदा ऊपर आता है। सही बात है। तो एक दिन सपना है कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए भाई? क्या सपना तो सपना ही रह जाएगा, इतनी औकात नहीं हमारी, क्योंकि भाई देखो 400 रुपए दिन का कमाता हूँ, कभी 200 भी कमा लेता हूँ। अच्छा इतना हो नहीं पाता भाई, खाना ही निकल जाए वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन एक बात बताऊँ, सपने देखेगा जब ही पूरे होंगे। ये हकीकत है, देख रहा दुनिया देख रही है तेरे को, सब देख रहे हैं तेरे को। तो गाइस घुमा के ले जाओगे? घुमा लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। 2% तेल ज्यादा फूक जाएगा, यही तो होगा। ओ लड़की सोच रही है कौन आ रहे है टार्जन लेके। तो गाइस देख रहे हो ना, डेस्टिनी किसी से भी कहीं भी मिलवा सकती है। मुझे नहीं पता था कि एक दिन मेरे को आशु मिलेगा, वैसे मेरे घर का नाम भी आशु ही है गाइस, आपको पता होगा। आशु है, हम मेरे को घर पे आशु बुलाते हैं सब। अच्छा अरे भाई कितनी अच्छी बात है भाई, और तेरा नाम भी आशु ही है। गाइस हर एक लड़के का सपना होता है सुपर कार उसके पास होना, ऐसा मेरा भी एक टाइम पे सपना हुआ करता था, और वो भगवान की देन से मेहनत करी तो आज अपने पास है भाई। कोई नहीं, कल को तेरे पास जरूर होगा, और मैं चाहता हूँ तेरे पास भी हो, क्योंकि जब मैंने तेरी एक्साइटमेंट देखी ना, मैंने तेरा चेहरा देखा, मैं तुरंत रुक गया, मैंने कहा इस बंदे को घुमाना बनता है भाई साहब। दिल बहुत तेज भाई, हाथ पर कप कपा रहे सारे मेरे, क्यों पता नहीं भाई ऐसे अपने आप ही। तू नर्वस हो रहा है इसलिए ना, कोई नहीं। लेकिन वैसे एक बात बताऊं, जब से मैंने एक गाड़ी ली है ना, मेरे को इस गाड़ी को ले हुए हैं अभी 2 महीने कुछ हुए हैं। 2 महीने बस? 2 महीने बस हुए हैं इसको ले हुए। 2 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है मैंने किसी को ऐसे बिठाया है। तो मेरा व्लॉग चैनल खोल के देख लियो, मेरे पिछले 2 महीने के सारे व्लॉग देख लियो, तेरे को किसी व्लॉग में देखेगा कि मुझे रोड पे कोई मिला और मैंने उसको घुमाया, देख लियो। थैंक यू भाई, तो पहला ऐसा है। सो मच भाई, ऐसा मैंने सोचा था कि मैं भाई रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं कि भैया एक राइड दिला दो, एक राउंड कटवा दो, तो मैं मोस्टली नहीं बन पाता था ऐसा कोई माहौल। लेकिन आज पता नहीं मेरे मन को क्या हुआ, गाड़ी रोकी, मैं कहा बिठाओ बंदे को और राइड करा दो, मजा आ गया भाई। और जो इतने लोग देख रहे हैं, है ना, ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी? नहीं भाई। की रोड पे चल रहे हो और सब तुम्हें देख रहे हैं? नहीं। चल बढ़िया है भाई, अमन राणा को वहीं पर ही छोड़कर आए हैं, वो इसके रिक्शा का ध्यान रख रहा है भाई, रिक्शा चलाता है भाई, कह रहा है भाई पे जिम्मेदारियां काफी है, तो भाई ने काम पहले ही स्टार्ट कर दिया। भाई जब 1 साल का था तभी डैडी चले गए थे। अच्छा जब मैं 1 साल का था तभी, तो मम्मी संभाल रही थी घर। हाँ। मम्मी थोड़ी तबीयत खराब रहती है। अच्छा बड़ा भाई है वो थोड़ा नशे करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए वो घर पे पैसे ज्यादा दे नहीं पाता। तू तो नहीं करता नशे? भाई नहीं मैं नहीं करता, मैं बहुत घर पे पैसे देता हूँ ज्यादातर। अच्छा। मैं ही चला रहा हूँ मतलब आजकल के डेट पे घर। अच्छा, अभी तू चला रहा है? सिस्टर भी है। गाइस ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि एक 16 साल का बच्चा अपने घर को खुद चला रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि ये मेरे को मिला आज। ठीक है मेरे थ्रू अगर इसका सपना पूरा हुआ ना, तो मेरे को लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ, है ना। तो चलो गाइस हो गया एक राउंड। हाँ भाई और घूमना है? नहीं 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 ले नहीं भाई नहीं। अबे सुपर कार की फील यही है कि जब तक पंजा ना दबे और बंदा यूट के ना आए पीछे, तो वो सुपर कार किस बात की। इसका नाम है वैसे टार्जन, पता है तेरे को? इस गाड़ी का नाम है टार्जन। टार्जन मैंने इसका नाम टार्जन रखा है, और ये रोड पे चलती है ना, सब इसको टार्जन के नाम से ही जानते हैं, और लोग ना इसको बहुत प्यार भी देते हैं। अभी तू शायद मेरे व्लॉग्स नहीं देखता होगा, पर कोई बात नहीं भाई, अब देखूंगा जरूर। अब देखियो जरूर, जरूर, जरूर। आज के व्लॉग में तू है, अपने घर परिवार सब में फैला दियो, सबको दिखाइयो कि देखो मेरी किस्मत भगवान ने आज किससे मिलवा दिया, और भाई की किस्मत कि वो मेरे से मिले। तेरी किस्मत नहीं है ना, मेरे मामा जो है वो बहुत अमीर। अच्छा अमीर घर से बिलोंग करते हैं। कोई नहीं एक दिन तू भी होगा यार। बहुत बढ़िया मजा आ गया भाई, थैंक यू। कैसा लगा? थैंक यू सो मच भाई, आप सब लोग इनको सपोर्ट करो भाई, ये बहुत अच्छे हैं, और जहाँ कोई भी बंदा दिखे इनको रोको और राइड ले लो, राइड मत लो, नहीं नहीं नाम पूछो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, शेयर करो। बहुत बढ़िया आशु, चल थैंक यू सो मच भाई, गेट बैक टू योर वर्क। ठीक है ओके सर, चले भाई चलो चलाओ, बाय बाय बाय। गाइस अब चलाएगा अमन राणा, और मैं लूंगा राइड, बाय बाय। वो भाई देख चला गया, पता इसने क्या करा, खुश हो गया, इतना खुश हो, इसके माने दोस्त खड़े हैं रिक्शे वाले, वहां जाते जाते अंकल अंकल पूरी हवाबाजी के साथ गया। तो चलो भाई आशु बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, अमन बहुत खुश है, तो अब हम जा रहे हैं, हम जाते हैं अपने काम से और ब्लॉग को करते हैं एंड। ठीक है गाइस चलो बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बाय गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, विनेश सैमुअल नाम है मेरा, ठीक है सबको पता ही है, रील पे आजकल हमारा भाई एक्टिव है, और कुछ गिव अवे ऑफर्स भी लेकर आ रहा है, वो गिव अवे ऑफर आपको मिलेगा इंस्टाग्राम की रील पे। ठीक है बाय।